हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे प्रिय साथियों, आज का टॉपिक है कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कर्मों की सजा अवश्य मिलती है, बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है और अच्छे कर्मों का पुण्य जरूर मिलता है, चाहे अच्छा कर्म छोटा हो या बड़ा, उसका पुण्य जरूर मिलता है और बुरा कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका सजा जरूर मिलती है। तो प्रिय साथियों, आज का टॉपिक है संतान के अपराध का दंड उसके माता पिता को भी भुगतना पड़ता है। जी हाँ, श्री विष्णु भगवान जी, श्री हरि विष्णु भगवान जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, संतान कभी भी ये भूल जाती है कि उसके अपराध का दंड उस तक ही सीमित रहता है। संतान के अपराध का दंड उसके माता पिता को भी भुगतना पड़ता है। महादेवी, जिस प्रकार चोट अगर एक उंगली को लगे लेकिन दर्द पीड़ा सारे शरीर को होती है, सारे शरीर को झेलनी पड़ती है, उसी प्रकार भूल परिवार के एक सदस्य से होती है परंतु उसका प्रभाव, उसका परिणाम समस्त परिवार को सहन करना पड़ता है। श्री हरि विष्णु ने अपनी पत्नी से कहा, तो समाज को यह संदेश जाता है कि संतान के अपराध का दंड उसके माता पिता को भी, उसके कुल को भी भोगना पड़ता है। इसके मैं तीन उदाहरण आपको देता हूं। पहला उदाहरण अपराध रावण ने किया था, रामायण काल का उदाहरण है। अपराध का दंड समस्त लंकावासियों को भोगना पड़ा था, संपूर्ण लंका जलकर खाक हो गई थी। वे रावण का समस्त परिवार रावण के अपराध का दंड अपनी जान देकर उन्होंने चुकाया था। दूसरा उदाहरण महाभारत का देता हूं मैं। दुर्योधन के अपराध का दंड समस्त नगरी को भोगना पड़ा था, समस्त हस्तनापुर के योद्धाओं कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह को भोगना पड़ा था। दुर्योधन ने भरी सभा में निर्दोष द्रौपदी
का चीरहरण किया था, उसको नग्न करने की कोशिश की थी, उस समय सभी योद्धा मूक दर्शक बने हुए थी, किसी ने रोका नहीं था, इसलिए जो उस सभा में बैठा था एक एक योद्धा उस पाप का भागीदार था। जी हाँ, इसी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ और सारे समस्त दुर्योधन के कुल का नाश हुआ। तीसरा उदाहरण मैं भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र श्याम का देता हूँ। श्री कृष्ण के दुष्ट पुत्र श्याम जो एक शराबी था, उसके अपराध का दंड स्वयं श्री कृष्ण जी ने दिया था। समस्त द्वारिका नगरी के यादवों को, सारे सूरमाओं को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा था। तो इसलिए मेरे प्रिय साथियों, कभी भी बुरा कर्म ना करें, कभी भी किसी पर बुरी नियत ना डालें, हमेशा सत्य कर्म करें और सदैव लंबी आयु जिएं और स्वर्ग में जाएं। कर्मों का फल मिलता जरूर है, कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो अकेला आता है और सबको रोता हुआ आता है, अकेला आता है और रोता हुआ आता है, कुछ भी अपने साथ नहीं लाता। और जब मरता है ना तो अकेला मरता है और सबको रुला कर जाता है, कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाता, सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाता है। जब आता है तो खाली हाथ आता है और जब जाता है तो खाली हाथ जाता है, सारी संपत्ति वो यहीं छोड़ जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो यहां आकर वो कर्म करता है, अच्छा व्यवहार, अच्छा चरित्र, सत्यवादिता, बस वही उसके साथ जाती है। ये जानने योग्य है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं जाता, कितने भी पाप कर्म कर लो, कितना भी धन कमा लो, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाओगे। जो आपने सत्कर्म करे हैं, जो आपने दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार किया है, केवल वही आपके साथ जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, कभी भी गलत कर्म ना करें। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल में राधे राधे कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, जो राधे राधे मेरे कमेंट में लिखेगा ना, उसके सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल।